हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण पटवा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑल अबाउट में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन प्लेसमेंट कैंप रायपुर छत्तीसगढ़ में जो आयोजित है, उसके संबंध में किस तरह आपको वहां पे ऑनलाइन आवेदन करना है, इसकी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी मिलनी है। साथ ही यहाँ पे आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी किस तरह आवेदन कर पाएंगे, इसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ऑनलाइन प्लेसमेंट कैंप 11 से 23 जनवरी 2021 तक आयोजित किया जाना है। इस तरह जो है यह रोजगार मेला का नोटिफिकेशन जो है सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है, क्योंकि यह जो भर्ती है प्लेसमेंट कैंप बहुत बड़े पैमाने पे होना है, जिसके वजह से सभी लोग सोच रहे हैं कि किस तरह जो है यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया होगा और किस तरह आवेदन करना है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। साथ ही यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ जनसंपर्क के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जो है इसका विवरण दिया हुआ है, साथ ही यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, इसके माध्यम से आवेदन आप सभी लोग कर पाएंगे। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार होंगे वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी तरह के हम रोजगार और ऑनलाइन फॉर्म भरने से संबंधित जो है जानकारी हम लेकर आते हैं। इस तरह से जो यहाँ पे शॉर्ट लिंक दिया हुआ है आवेदन करने के लिए, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, ऑनलाइन प्लेसमेंट कैंप। यहाँ पे जो है जो पोस्ट है वो पोस्ट की जानकारी, वेतनमान, सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे रिक्वायर्ड जिसमें जो है स्टार लगा हुआ है वो फील्ड रिक्वायर्ड है, उसको भरना जरूरी है। तो इस तरह मैं आपको भर के बताता हूँ कि किस तरह आपको आवेदन करना है। साथ ही यहाँ पे ईमेल आईडी भी प्रोवाइड किया गया है, यदि किसी भी तरह का यदि दिक्कत होता है तो आप लोग जो है इस ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे जो है फर्स्ट में आपको नाम, पूरा नाम टाइप करना है, उसके बाद यहाँ पे आपका एज, कितना एज हो रहा है काउंट करके उसको कर लेना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद कास्ट आपका कौन सा कास्ट है उसका यहाँ पे उल्लेख करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर वही इस्तेमाल करें जो आप रेगुलरली यूज करते हैं, ईमेल आईडी भी वही प्रोवाइड करें जिसमें आपसे संपर्क हो सके, रेगुलरली यूज करने वाला ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना है। साथ ही यहाँ पे एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में होता है उसको यहाँ पे एंटर करना है। क्वालिफिकेशन में यहाँ पे 12वीं ग्रेजुएशन और कंप्यूटर कोर्स का उल्लेख किया गया है, तो आप 12वीं हैं तो 12वीं से, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन से क्वालिफिकेशन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एक्सपीरियंस इन मंथ्स, यहाँ पे जो है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पे जीरो सेलेक्ट नहीं लेता है, यहाँ पे वे लोग यहाँ पे वन एंटर करें। वन एंटर करने के बाद यहाँ पे जो है कम से कम वन यहाँ पे एंटर करना ही है, जीरो करेंगे तो नहीं आगे बढ़ पाएगा, इसलिए यहाँ पे वन डाल दीजिएगा। उसके बाद सीजी रोजगार पंजीयन जो होता है उसको आप रोजगार कार्यालय में जो आप पंजीयन कराते हैं वह पंजीयन नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है, जैसे सी टी करके जो दिया होता है उसको पूरा पंजीयन नंबर अच्छे से भरना है। साथ ही यहाँ पे आधार नंबर आपको एंटर करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप कहाँ जॉब लोकेशन के लिए चूज करेंगे, अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सीजी या रायपुर डिस्ट्रिक्ट, उसका आपको चूज करना है। चूज करने के बाद जो है आपको यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको इस तरह का मैसेज डिस्प्ले करेगा, ऑनलाइन प्लेसमेंट कैंप, यू हैव रिसीव्ड योर रजिस्ट्रेशन, इंसर्ट अदर इंफॉर्मेशन हियर। यदि आप जो डेटा फिल किए हैं उसमें यदि एडिट करके कुछ करना हो, एडिट करना हो तो एडिट पे क्लिक करके भी आप लोग अपना डेटा को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद पुनः सबमिट बटन पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन किस तरह आवेदन करना है इसकी जानकारी जो है मैंने दे दिया है। जो लोग मोबाइल के माध्यम से करना चाहते हैं वे लोग भी आवेदन कर पाएंगे। वे अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ राइट हैंड साइड के टॉप में तीन डॉट बटन दिखाई देता है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेना है। डेस्कटॉप साइट को इनेबल करने के बाद आप आसानी से यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। साथ ही
आपको इस भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और यहाँ पे जो लोग आवेदन करना चाहते हैं एक से अधिक पद के लिए, वे लोग भी बारी बारी से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर रोजगार कार्यालय में नहीं हुआ होगा, वे लोग अपना रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर रोजगार कार्यालय का डालना अनिवार्य है। तो किसी भी तरह का क्वेरी के लिए आप हमसे संपर्क करें कमेंट सेशन में। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद। जो लोग चैनल पर नए होंगे वे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू। साथ ही मैं इस वीडियो में उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग जो है सोच रहे होंगे कि यह फर्जी तो नहीं है, तो इस तरह जो है छत्तीसगढ़ का जो ऑफिशियल साइट है जनसंपर्क विभाग, वहां पे जो है इसको प्रेषित किया गया है। तो यदि फर्जी होगा भी, अगर किसी भी तरह का यदि आपको पैसे वैसा का मांग किया जाता है, तो कृपया आप लोग पैसा ना दें, पीछे हट जाएं। और कुछ लोग का कहना है कि यह जो कंपनी है ज्यादा दिन नहीं हुआ है आया हुआ है, और यह कंपनी जो है पूरी तरह से प्राइवेट है, यह सरकारी कंपनी नहीं है, तो प्राइवेट कंपनी है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, किसी भी तरह का जालसाजी में किसी के बहकावे में नहीं आना है। थैंक यू। जो भी जानकारी आपको चाहिए या जो भी आपको डाउट हो, वह सभी कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छी जानकारी दे पाऊँ।